इफ अ फोर्स एफ ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास 7 केजी, देन एक्सेलरेशन ऑफ 35 केजी मास विल बी। यहाँ पे हमको 7 केजी का एक मास दिया है, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसके नीचे एक 35 केजी का मास है, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिए हुए हैं वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन कि 35 केजी मास वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो क्वेश्चन को समझो, ये एक हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको ये बताता है कि अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स म्यू एम वन प्लस एम टू इंटू एम टू जी बाय एम वन, यहाँ पे एम टू ऊपर वाला मास है और एम वन नीचे वाला मास है, और फोर्स जो है वो ऊपर वाले मास पे लग रहा है, राइट। तो अगर इसकी वैल्यू होगी ज़्यादा फोर्स से या इक्वल होगी तो दोनों ब्लॉक्स बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस फॉर्मूले को डिराइव भी कर दूंगा, आप कमेंट्स में लिख देना मेरे को, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं देखनी आप डायरेक्ट इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक बात। तो अगर मैं म्यू एम वन एम टू एम टू जी और एम वन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे को पता लगेगा कि जो वैल्यू आएगी ये वाली वो 100, एक्सटर्नल फोर्स तो मेरा 100 लग रहा है तो वो 100 से कम होगी। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स साथ में मोशन नहीं करेंगे, उनका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो आप स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट, क्योंकि ये कॉमन एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वो लिमिटिंग आएगी वैल्यू। चलिए अब हमको ये पता लग गया कि ये दोनों ब्लॉक्स अपना अलग अलग मोशन करेंगे, यानी कि ये ब्लॉक जाएगा इधर, ठीक है, और अब ये ब्लॉक कहाँ और कैसे जाएगा इसकी स्टडी करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, मैं ऊपर वाले ब्लॉक की एफबीडी बना रहा हूँ 7 केजी वाले की, राइट। तो 7 केजी वाले पे ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसकी टेंडेंसी इधर मूव होने की है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ना इसकी टेंडेंसी है मूव करने की, ये तो सच्ची है मूव करेगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ से इस कंडीशन से सीख चुके हैं कि इसने मूवमेंट करनी है, ये चलेगा, इसके पास टेंडेंसी नहीं, एक्चुअल में ही चलेगा, एक्चुअल मोशन होगा इसका, राइट। तो यहाँ पे 7 केजी वाले का एक्सेलरेशन होगा, पीछे की तरफ इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा इस पर, म्यू के जो कि 0.4 दिया है इंटू एन, एन होगा एम जी, सॉल्व करके आएगा 28 न्यूटन। बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आ रहा है, 7 केजी पे, 35 केजी वाला लगाएगा तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एज अ रिजल्ट इस पे भी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस लगेंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे 7 केजी पे आएगा इधर और 35 केजी पे आएगा इधर, तो 35 केजी ब्लॉक भी इधर चलेगा और उसके चलाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमको ये पता लग गया कि इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यही काइनेटिक फ्रिक्शन तो 35 केजी को चला रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। काइनेटिक फ्रिक्शन की बेटा वैल्यू निकाली हुई है अपने, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करके एक्सेलरेशन आ जाएगा 35 केजी का, दैट इज़ 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।